Hello everyone, I am Isha Singh, welcomes you to Achievers World. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी ADO की क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसी को की सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आप सभी ने ADO का सिलेबस तो देखा ही होगा, उसमें एक टॉपिक क्या है, पंचायती राज, और उसका जो सब टॉपिक है स्कीम्स रिलेटेड टू पंचायती राज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से, वो मैं आपके सभी के साथ क्या करूंगी, चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी पंचायती राज के बारे में जानते होंगे, तो पंचायती राज हमें प्राप्त कैसे हुआ है, पंचायती राज हमें कैसे प्राप्त हुआ, संविधान के पहले भी क्या इसके प्रावधान थे, कि संविधान के बाद, मतलब संविधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनकी ये देन है, ये सभी मैं आपके साथ डील करूंगी। तो मैं थोड़ी सी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पंचायती राज के बारे में दे देती हूँ। तो पंचायती राज से आप समझते क्या है, तो पंचायती राज से तात्पर्य है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। तो संविधान के पहले जो हमारे वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन, संविधान के पहले वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन ने 1882 में ये संकल्प लेके आए थे स्थानीय स्वशासन का, क्योंकि इनका ये जो उद्देश्य था वो क्या था, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो इसके लिए कौन लेके आए हैं पंचायती राज का कॉन्सेप्ट, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसके कारण इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस या फिर स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मेनली ADEO का सिलेबस है, तो उसमें जो पंचायती राज टॉपिक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो कहीं कहीं पे ये 1992 लिखा है, कहीं कहीं पे ये 1993 लिखा है। तो 1992 में जो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पारित हुआ था, और 1993 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज जो है उसका प्रावधान क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, तो इसका पहला उद्देश्य है जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। क्योंकि क्या है कि लोकल गवर्नेंस में अगर पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जन भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी हमारा देश क्या बनेगा, एक मजबूत देश बनेगा। तो इसके कारण इसका पहला क्या है, हमारा पहला है कि सुनिश्चित करना, किसको सुनिश्चित करना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, और दूसरा जो है वो विकेंद्रीकरण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बता दी यहाँ से कि लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है, इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो और जो हमारा पहला पंचायती राज आया था वो कहाँ आया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में आया था, जिसको कौन लेके आए थे, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। और दूसरा जो आया था वो इसके बाद आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, कब आया था ये, तो आप लोग जान ले कि ये 1959 में फर्स्ट आया था। ठीक है, तो अब मैं ये जबरदस्त सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैं आपको स्कीम्स पढ़ाऊंगी पंचायती राज से रिलेटेड। मुझे जितनी भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी पंचायती राज से रिलेटेड मैंने आपको बता दी, अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, स्कीम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेशन है उसका शुरुआत ही किससे होना चाहिए, मोटिवेशन से होना चाहिए। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आपका लक्ष्य क्या है, तो आपका लक्ष्य ADEO को सेलेक्ट करना है, उसमें सेलेक्शन पाना है। तो इस मोटिवेशन के साथ हम अपने सेशन को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, स्कीम्स रिलेटेड टू पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पंचायती राज से, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका पहला स्कीम हम पढ़ेंगे, और पहला स्कीम क्या है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। सबसे पहले हमें अपने पंचायत को क्या करना है, सशक्त करना है। तो किसी भी सशक्त देश की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर उसका पंचायती, जो उसका पंचायत होता है, जो उसका लोकल गवर्नेंस होता है, जो इसकी स्थानीय स्वशासन होता है, अगर वो क्या होता है, सशक्त होता है, तभी क्या होता है, एक सशक्त देश की परिकल्पना होती है। और ये कौन लेके आए हैं, तो हमारे तो जो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनका तो सपना भी था कि पंचायती राज को क्या करना है, सशक्त करना है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से मैं आपको पहली स्कीम पढ़ाऊंगी, वो क्या है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो जैसा आपने अभी तक ADO का देखा होगा, जैसा भी आपने लेवल देखा होगा, तो उसमें पंचायत जो भी स्कीम्स होती हैं उससे रिलेटेड टाइमिंग पूछती है कि वो कब आया था, वो प्रारंभ कब हुआ।
हुआ, वो इनकॉर्पोरेट कब हुआ। तो हमारा मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना जो है वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है, तो 2015-16 से ये क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान है, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के बारे में आप जैसा कि जानते होंगे कि इसमें जो विलेज लेवल होता है उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसके विलेज लेवल में होता है। जो ब्लॉक लेवल होता है उसमें क्या होता है, जनपद पंचायत। तो ब्लॉक लेवल में जनपद पंचायत होता है और जो इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उसमें क्या होता है, जिला पंचायत। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसको जनपद पंचायत कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। तो ये क्या है, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय, हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान में जो सबसे पहला होता है गांव से, मतलब ग्राम से रिलेटेड, वो ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में जनपद पंचायत होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला पंचायत होता है। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान है इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जितने भी प्रशिक्षण करता है, तो इसमें मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत इनके जो सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, उनका अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा इसके अंतर्गत। सेकेंड आता है हमारा डीपीआरसी। डीपीआरसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर। और सेकेंड नेक्स्ट आता है बीपीआरसी, ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर, कहीं पे इसको जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटर भी कहते हैं। तो डीपीआरसी बीपीआरसी के तहत जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, उनका भी प्रशिक्षण कराना, उनका भी अध्ययन भ्रमण कराना किसके तहत किया जाएगा, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण संस्थान है उनके लिए जो स्थापना का व्यय होगा, जो स्थापना का व्यय का प्रावधान किया गया है वो इसी के तहत किया गया है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत व्यय का प्रावधान किया गया है। अब क्या ये हमारे देश में लागू हो गया है, तो मैंने हमारे जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ उसमें लागू हो गया है, तो मैंने बताया 2015-16 से ये लागू हो गया है। अभी 60 लाख उपलब्ध कराया गया है, जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार उसके द्वारा 60 लाख उपलब्ध कराया गया है। तो कौन कौन से जिले में कराया गया है, तो कोरबा जिले में, गरियाबंद जिले में, राजनांदगांव जिले में, कबीरधाम, बीजापुर और जसपुर, इस जिले में क्या किया गया है, इनको उपलब्ध कराया गया है, इनका जो व्यय है वो प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो है जो पंचायत पदाधिकरण का जो अध्ययन भ्रमण होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, वो किसके द्वारा कराया जाएगा, तो ये बता दे, तो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा रायपुर के द्वारा इसका इनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले ये पूछ सकता है कब प्रारंभ हुआ, तो 2015-16 से प्रारंभ हुआ। क्या किया जाता है इसके द्वारा, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनका अध्ययन भ्रमण, उनका प्रशिक्षण इसके द्वारा कराया जाता है। डीपीआरसी बीपीआरसी, डीपीआरसी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, बीपीआरसी मैंने बताया ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर, उनके भी जो सदस्य होंगे, उनके जो भी जो कार्यकर्ता होंगे, उसका भी प्रशिक्षण अध्ययन भ्रमण इसके द्वारा ही कराया जाएगा। और पंचायत को सशक्त करने का काम कौन करेगा, तो इस योजना के तहत कराया जाएगा। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इस योजना के तहत पंचायतों को सशक्त करती है। अब अगली योजना की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, अगली स्कीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारी अगली स्कीम है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में 2014-15 में मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना आती थी और छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना आती थी, ग्राम विकास योजना आती थी, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना संचालित थी। पर अब क्या किया गया है, ये चारों को एकीकृत कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है और एक योजना बना दी गई है उसको, और वो योजना क्या है, छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, तो अधोसंरचना का कार्य, अधोसंरचना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क इस योजना के तहत किया जाएगा, समग्र ग्रामीण विकास योजना। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गोठान लेके आते हैं, तो जो गोठान लेके आते हैं ना वो इसी योजना के तहत लेके आते हैं,
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना इसी के तहत लेके आते हैं। जो भी जन दर्शन कार्यक्रम होते हैं है ना, हमारे प्रदेश में अलग अलग जगह जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। मंत्रियों की जितनी भी घोषणाएं आती हैं वो मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो पंचायती राज संस्थान है तो पंचायती राज संस्थान की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज संस्थान की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए योजना लाई गई थी कि कैसे हम इससे पंचायती राज को और ज्यादा हम विकसित कर सकते हैं और ज्यादा हम इसका विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्कीम हमने क्या पढ़ी, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। तो इसके तहत 2014-15 में जो जो योजनाएं इस अनुमोदित जो जो योजनाएं आती थी जैसे संचालित थी, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्राम निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना, चारों को एकीकृत करके ये योजना बना दी गई है, ठीक है। और इसमें जो हमारा ग्राम है उसके विकास के लिए व्यय का प्रावधान इस योजना के तहत किया जाता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों तक हमारे सेशन को पहुंचाइए ताकि वो भी स्कीम्स को पढ़ सके और अपने जो लेवल है उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। हम सबको पाना है एडीओ में सिलेक्शन, है ना। आपका मोटिव क्या है, एडीओ में सिलेक्शन, और ये हमारा टॉपिक है, तो आप क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, हमारे देश का विकास कैसे होगा जब युवाओं का विकास होगा। तो हमारी मुख्य जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार है उसके द्वारा लाया गया स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ के युवाओं का विकास होगा। और जो युवा होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं वही क्या होते हैं, भविष्य होते हैं, किसी भी देश का भविष्य होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, नाम से ही पता चल रहा है इसमें युवाओं को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। ये योजना कब आई थी, 2013-14 में आई थी ये योजना। इसमें क्या है, हमारी जो युवा शक्ति है, जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं उसमें जो युवा शक्ति होती है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ये योजना लाई गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। मैं बार बार स्कीम्स बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि ये स्कीम्स आई थी और आपके ना क्वेश्चन में जो एडीओ का पेपर आएगा उससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो युवा शक्ति के विकास के लिए, और युवा शक्ति का विकास मतलब राष्ट्र को विकास, तो युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में हम कैसे अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं, कैसे न्यू हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उसको, तो उसके तहत ये योजना थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये लागू है। अब कौन से वर्ग के युवा इसमें आएंगे ये हम देखेंगे। तो 15 वर्ष से लेके 35 वर्ष के युवा इसमें सम्मिलित है। अभी तक जो युवा जो है वो पंजीकृत हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी संख्या 1230431234343, याद कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने युवा अभी तक पंजीकृत हुए हैं। तो 1230431 युवा पंजीकृत हुए हैं। 2017-18 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इसमें, 2017-18 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें 10 जिले सम्मिलित थे इसमें, और उनको हर एक जिले को 40-40 लाख रुपए प्रदाय किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है कि मेनली ये जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो हमारी ग्राम पंचायत है और उसके बाद जो हमारा क्या आते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत है उसके बाद जो हमारा ब्लॉक लेवल में आते हैं, जिला जनपद पंचायत हो गया, फिर जिला पंचायत हो गया, उन सब में ये योजना लागू की गई थी स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। और ये इसका स्तर क्या था, तो विकास खंड स्तर पर इसको लागू किया गया था, ठीक है। और इसके लिए क्या होंगे, जो विकास खंड स्तर पे बहुत सारे युवा प्रोत्साहन सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे और फिर वहां से युवाओं को प्रोत्साहित की जाएगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो हमारी ये स्कीम भी कंप्लीट होती है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब आई है, 2013-14 में आई है। इसका कार्य क्या है, तो युवा शक्ति को क्या करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, न्यू अवसर प्रोवाइड कराने हैं उनको, ठीक है, हमारे देश के विकास के लिए। और आपने ये जान लिया रजिस्टर्ड कितने हैं, रजिस्टर्ड नंबर कितने हैं, 1230431 है, ठीक है।
कितने जिलों में ये लागू हुआ है, तो 10 जिलों में ये लागू हुआ है। 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, हर जिले को 40-40 लाख रुपए इसके लिए प्रदाय किए गए हैं। ठीक है, कौन से युवा वर्ग सम्मिलित है, तो 15 से लेके 35 वर्ष के युवा वर्ग इसमें सम्मिलित है। ठीक, अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्कीम से पे आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, तो हमारे देश का मकसद क्या है, लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, पंचायती राज को बढ़ावा देना। अगर आपको पंचायती राज को क्या करना है, विकास करना है, किसी भी गांव का विकास करना है, तो विकास कैसे होगा, अगर वहां का जो क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, विद्युत होगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी वहां तक। मेन मोटिव, प्रायोरिटी है हमारी कि हमारे गांवों तक क्या पहुंच पाए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए। तो इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया था मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। इसका योजना अंतर्गत वर्ष क्या है, तो 2015-16 को लाया गया था ये। 2015-16 में क्या आया था, हमारा मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्थानीय आवश्यकता है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो स्थानीय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए गांव की गलियों में क्या करना है, आंतरिक विद्युतीकरण करना है गांव की गलियों में। आज भी ऐसे बहुत से गांव है हमारे छत्तीसगढ़ के जहां तक क्या नहीं पहुंची है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची, और इस योजना के तहत वहां पे क्या पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, विद्युत पहुंच रहा है, तभी तो हमारे देश क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है, तो 100% राशि कौन करेगा, 100% राशि शासन उपलब्ध कराएगी इस योजना के लिए। 100% राशि, 100% जो राशि का प्रावधान है, व्यय का प्रावधान है, वो शासन के द्वारा किया जाएगा। कार्य का निष्पादन कौन करेगा, तो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी जो है, ये कार्य का निष्पादन करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप भी ध्यान में रखेंगे, ये हमारे MCQs में पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के कार्य का क्या करेगी, निष्पादन करेगी। ठीक है, 2015-16 में 6 करोड़ रुपए प्रावधानित थे इसमें, अभी तक 111 आंतरिक गलियों के विद्युतीकरण के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और अभी तक 1191 आंतरिक गलियों का प्रावधान किया गया, 111 आंतरिक गलियों का प्रावधान किया गया। तो ये मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना जो है वो क्या है, विकास स्तर पे है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपके MCQs में पूछ सकता है, सबसे पहली बात पूछ सकता है इसका अंतर्गत वर्ष क्या है, तो 2015-16 है। ठीक है, इसका मकसद क्या है, गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण इसका मकसद है। कौन इस कार्य का निष्पादन कौन करेगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी इस कार्य का निष्पादन करेगी। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा डेटा रखना है, ये पूरा डेटा हिंदी में है। अगर आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराना है, तो आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड होगा। जो हमारे अचीवर्स ICS का जो ऑफिशियल चैनल है, आप उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप क्या करिए, उसको भी ज्वाइन करिए, ताकि न्यू जो भी जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको पता चलेंगे, और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, स्वामी आत्मानंद वाचनालय 2020-21 में जब बजट आया था, 1 नवंबर 2020 को क्या हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ का जन्म दिवस जो की है, तो 1 नवंबर 2020 को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रावधान किया गया था, आपको याद होगा, जैसा कि उसी के तहत स्वामी आत्मानंद वाचनालय आया था। ठीक है, अब ये स्वामी आत्मानंद वाचनालय क्या है, अब देखिए हमारी जो हमारी केंद्र सरकार हो गई, हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार हो गई, ठीक है, ये अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, अलग अलग योजनाएं लेके आती है, पर गांव स्तर में जो ग्राम स्तर होता है वहां तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। जो विलेज लेवल होता है उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये स्कीम्स आई थी, और वो उसका क्या नहीं कर पाते हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। उसके लिए स्वामी आत्मानंद वाचनालय बनाया गया है, इसका योजना अंतर्गत वर्ष लिख लीजिएगा 2020-21 है। तो स्वामी आत्मानंद वाचनालय बनाया गया है इसके तहत। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाई जाएगी, जागरूकता पैदा की जाएगी, और जितने भी समसामयिक घटना होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, जितने भी समसामयिक घटना होती है उनके उनके
अवसर के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स आती हैं वो सारी उनको बताई जाएंगी, वो सारे चीज़ों से उनको अवेयर कराया जाएगा स्वामी आत्मानंद वचनालय के थ्रू। ठीक है, अभी तक प्रत्येक ग्राम में ये स्वामी आत्मानंद वचनालय बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी उचित जानकारी कि शासकीय योजनाएं आती हैं, शासकीय योजनाओं की उचित जानकारी इस योजना के तहत लाई जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर के उद्देश्य से, ठीक है, अभी तक बहुत सारे ग्राम पंचायत में ये स्वामी आत्मानंद वचनालय क्या हुआ है, संचालित हुआ है, संचालित हो भी रहा है, ये बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि पंचायती राज को मिलने वाली जितना भी व्यय होगा, कि जितनी भी राशि पंचायती राज को मिलती है, साल भर में जितनी भी राशि उनको मिलती है, उसमें हर साल में 5,000 रुपए निर्धारित किया गया है, कि 5,000 रुपए निर्धारित सीमा है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा। इसका स्वामी आत्मानंद वचनालय के लिए 5,000 रुपए पंचायती राज को साल भर में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी स्वामी आत्मानंद वचनालय। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने सेशन को जल्दी जल्दी, मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने सबसे पहली स्कीम क्या पढ़ी थी, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना पढ़ी थी। कब आया था ये स्कीम, 2015-16 में आया था। क्या किया गया था, तो जितनी भी DPRC हो गया, BPRC हो गया, जितने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान है उसमें जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, उनका अध्ययन भ्रमण कराना, पंचायती राज को क्या करना, सशक्त करना, इस योजना का कार्य होगा। इसके लिए 60 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे। मैंने बहुत सारे जिलों के नाम भी आपको बताए थे, जैसे कोरबा हो गया, गरियाबंद हो गया, राजनांदगांव, कबीरधाम, बीजापुर। कौन सी संस्था इसका वो कराएगी, कौन सी संस्था कराएगी, तो अध्ययन भ्रमण के लिए जो भी संचालक का काम होगा वो ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था निमोरा रायपुर वो कराएगी। नेक्स्ट स्कीम हमने पढ़ी थी मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, इसके तहत 2014-15 में 4 स्कीम्स पहले आई करती थी, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना हो गया, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना हो गया, ग्राम विकास योजना हो गया, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना हो गया, ये पहले संचालित हुआ करती थी। ये चारों को एकीकृत करके, चारों को कंबाइन करके एक स्कीम बना दी गई, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इसके द्वारा किया जाएगा। तो हमको क्या करना है, वहां भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, तो इसके तहत ये किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। मैंने बताया युवा क्या है, हमारे देश का भविष्य है, तो इसके लिए 2013-14 में ये आया था। इसमें युवा शक्ति को क्या करना है, राष्ट्र के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। क्या है ना, हमारे गाँव में जितने भी युवा होते हैं उनको अवसर नहीं मिल पाते, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, अवसर मिलते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इतना अवेयरनेस नहीं होता, इतनी जागरूकता नहीं होती कि वो ये कार्य कर पाएंगे। उसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना आई थी। मैंने बताया था विकास खंड स्तर पर इसका संचालन किया जाएगा, हर एक विकास पर क्या बनाया गया, विकास खंड पर क्या बनाया गया है, तो युवा प्रोत्साहन केंद्र बनाया गया है इसी के तहत। ठीक है, युवाओं की पंजीकृत संख्या याद रखिएगा 123043, युवाओं की पंजीकृत संस्था है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। इसका योजना अंतर्गत वर्ष क्या था, 2015-16 था। इसमें क्या था, गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण करना है। इसके लिए मैंने बताया कि पहले 111 आंतरिक गलियों के लिए ये कार्य किया गया था, उसके बाद 1191 आंतरिक गलियों के लिए कार्य किया गया। ठीक है, और आखिरी में मैंने आपको क्या बताया, स्वामी आत्मानंद वचनालय, इससे क्या किया जाएगा, तो जो हमारे गांव है, हमारे पंचायत है, तो वहाँ पंचायतों में उनको अवेयर कराया जाएगा। उनको अवेयर किस लिए कराया जाएगा, जितनी भी स्कीम्स आती हैं, जितनी भी समसामयिक घटना होती है, उन सब से जागरूकता पैदा करने के लिए स्वामी आत्मानंद वचनालय बनाया गया था। तो आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, होप। क्या है, पंचायती राज द रिवोल्यूशन दैट चेंज इंडिया, पंचायती राज द रिवोल्यूशन दैट चेंज इंडिया। हमने पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी, आगे भी हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी स्कीम्स बताऊंगी। हमारी ज़बरदस्त तैयारी होगी इस सेशन में, ये क्लासेस जो होंगी हमारी, ये जो सीरीज होगी इसमें ज़बरदस्त आपकी अच्छे से तैयारी की जाएगी। इसके लिए आप क्या करिए, हमारा जो चैनल है अचीवर्स ICS का जो चैनल है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन, जितनी भी हमारी क्लासेस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए।
थैंक यू।